दोस्तों स्वागत है भोजपुरी न्यूज 24 के चैनल पर। आपको बता दें कि अब हम लोग का वेबसाइट भी लॉन्च कर चुका है www.bhojpurinews24.com पे। जिस तरह आप लोग पेपर में या फिर किसी भी तरह का न्यूज देखते हैं पढ़ते हैं, उसी तरह आप लोग ये पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट के साथ। आपको बता दें कि अभी हम लोग भोजपुर जिले के ग्रहणी प्रखंड के ग्रहणी में संजय निराला जी के आवास पर एक बैठक है, जो कि RJD का बैठक है। और यहाँ पर पूर्णतः अभी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हुए सभी लोग आए हुए हैं। कुछ लोग जिले से भी आए हुए हैं और कुछ प्रखंड से भी आए लोग। और सबसे बड़ा चीज आपको बताते चले हम लोग कि अभी इस बैठक का क्या उद्देश्य है और आगे क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ा चीज इस COVID-19 में, इस महामारी में RJD के कार्यकर्ताओं का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज जितने भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और जिला से आए हुए बड़े बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम लोग बता दें कि अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम बीरबल यादव जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं RJD के, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ 7 जून को कोई कार्यक्रम करने वाले हैं लोग, जो कि शायद छिपा बजाकर कुछ निर्देश देना चाहते हैं और एक समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष परम श्री जगदानंद सिंह जी, जो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी, जो केंद्र सरकार पूरे देश बिहार प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त, 2 लाख से ज्यादा इन्फेक्टेड की रेशियो चली गई है, 6,000 के लगभग लोग मर चुके हैं। और ये देश में ये निकम्मी सरकार एक्चुअल को छिपाने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है और देश की आम आवाम को गुमराह करने के लिए आज देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। इनको हमारे जो भी मजदूर साथी हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जो दूसरे प्रदेश में मजदूरी के वक्त काम कर रहे थे, किसी तरह नेता प्रतिपक्ष ने अपनी आवाज की बुलंदियों के साथ इस सरकार को झुकाने का काम किया और सभी श्रमवीर को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। आज वे श्रमवीरों को ये निकम्मी सरकार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, ये जो श्रमवीर आए हैं निश्चित रूप से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और DGP साहब, आप चिट्ठी जारी कीजिए और पूरे बिहार में मुख्यालय में जिला कलेक्टर और SP को चिट्ठी निर्गत किया गया है, जो भी श्रमवीर आए हैं निश्चित रूप से अपराध की दुनिया में संलिप्त है और बिहार जा रहा है श्रमवीरों पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। हमारे मजदूर आज दाने दाने और खाने पीना मौजूद है और आज अपराधी साबित कर रहे हैं। बता दे सर कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और कुछ कार्यों में त्रुटि भी दिख रही है, तो उसी त्रुटि को आपने आगे लाया। और सबसे बड़ा चीज सर, अभी हम लोग इस बैठक का क्या उद्देश्य है और आगे 7 जून को कुछ आप लोग करने वाले हैं, इसके बारे में? बैठक का उद्देश्य की वर्चुअल रैली का हम लोग प्रतिकार करेंगे और जन गरीब अधिकार दिवस के रूप में 7 जून को हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग मनाने का काम करेंगे। 11 बजे से लेकर के 11 मिनट का थाली कटोरा पीटने का काम करेंगे और इन निकम्मी सरकार को जगाने का ये संदेश देंगे, ये निकम्मी सरकार तुम करनी निंद्रा में सोई है, आप जग जाइए और श्रमवीरों को रोजगार दीजिए, मजदूरों को रोजगार दीजिए। ये उद्देश्य है हम लोग का, इसी वर्चुअल रैली के खिलाफ हम लोग जन अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सराहनीय, पहले आपको बता दे सर कि आपने बिल्कुल ही जायज बातें कही कि माननीय नीतीश कुमार की सरकार में और BJP की सरकार ने जो कुछ दिया है उससे कहीं ज़्यादा लिया है, खास करके हमारे जो भी कुछ युवा साथी हैं काफ़ी इनसे खफा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। सर इस विषय में क्या कहें? बेरोजगारी तो चरम पर है, आप देख रहे हैं कि जब आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, रेलवे से लेकर के जितने भी कंपनी थी निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिल रहा था। आज रेलवे से लेकर के जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं सरकार ने है,
जो गरीब के घर में आज डिबिया के वजह से लाइन जो देखने को मिल रहा है कभी कदार, उसका भी जो हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। सरकार की नैतिक नहीं अनैतिक काम है और गरीब गुरबे शोषित अकलियत पीड़ित सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं। आने वाला भविष्य में इसने कमी सरकार को काम करेंगे। नीतीश कुमार जी की जो मानसिकता है गरीबों को कुचलने का, गरीबों को दिन रात जो मनोबल को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, एनडीए की सरकार के जो मिली भगत है निश्चित रूप से एनडीए है। सामाजिक न्याय के जिंदूरा पीट करके सत्ता में आए और गरीब मजदूरों को हताहत करने की, अगर सर बात करें हम लोग तो आपकी पार्टी राजद ने क्या सहयोग किया, क्या योगदान रहा? राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जितने भी साथी हैं सभी क्वारंटाइन सेंटर पर, जिले मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में, आप सुने होंगे कि इधर भी हमारे यूपी बॉर्डर पर हर जगह लालू रसोई के नाम से भंडारा चल रहा है। जो भी श्रमवीर आते हैं खाना खाकर सुनिश्चित अपने घर को जाते हैं और ये सरकार के प्रशासन द्वारा उस लालू रसोई को जबरन बंद कराने का काम किया जा रहा है। हम लोग विपक्ष में हैं और इस सरकार के जो नीति और नियत है निश्चित रूप से गरीब विरोधी है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सर क्या लगता है आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या रंग लाएगा? आने वाला चुनाव तो आपको भली भांति सामने दिख रहा है, जिस तरह क्वारंटाइन सेंटर का रिपोर्ट है, आप क्वारंटाइन सेंटर पर जो श्रमिक आए हैं उनसे फीडबैक ले लीजिए, कहीं क्वारंटाइन सेंटर पर खाना में बिच्छू मिल रहा है। गया में आप सुने होंगे क्वारंटाइन सेंटर में मासूम बच्चे को सर्प डस दिया, मौत का घाट उतर गया, सारे जगह पूरे सूबे बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बिल्कुल। अगर हम लोग बद से बदतर है, अभी हम लोग गढ़नी में विराजमान है और गढ़नी की चर्चा करें तो यहाँ भी रामधनु विश्वविद्यालय पर कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर आए हुए थे जिनको खाने में बहुत सारी शिकायतें मिली थी, हम लोग स्टेटमेंट लिया उसका और उस पर आवाज़ उठाया तो हम लोग के साथ भी कुछ मतलब उनके लिए किया गया। आप लोग के साथ बात सुनूंगी, ये नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, हम सभी मीडिया बंधु से कहेंगे कि जिस तरह बिहार की जनता को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको भी क्वारंटाइन सेंटर पर जाने से रोकने का काम किया है। हम चाहेंगे कि आप जितने भी मीडिया बंधु हैं इस सरकार की खुदिया उधेड़ने का काम कीजिए। सरकार आपके पक्ष में नहीं है, गरीब जनता हमेशा आपके पक्ष में है और गरीब जनता जो सही बात बोलेगी तभी सरकार के लोग सही बोलने वाले नहीं है। लेकिन सर एक कहावत है, सत्य कुछ दल के लिए परेशान हो सकती है पराजित नहीं हो सकती है, आने वाला भविष्य आपको पता चल जाएगा। एक और चीज सर, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरह की स्थिति है डबल इंजन की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है और आने वाला भविष्य जो स्थिति बिहार में हो गई है प्रशासन के गुंडों द्वारा गरीब मजदूरों को जो जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है, अनेक तरह के अनैन केसों में फंसा करके जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है, गरीब दारू नहीं बेचते हैं, दारू बड़े बड़े कारोबारी बेचते हैं, इसकी बरांडी जो बड़े इंग्लिश के लोग पियक्कड़ है, देखिएगा आप गाड़ी के गाड़ी लोड होकर आता है। इधर मसाड़ गाँव में कल 4 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है, बोलिए वो गरीब मजदूर बेच रहे हैं। सारे सरकार के लोग पूरा माफिया गिरी बिहार में चला हुआ है। कहीं ना कहीं आपके शब्दों से ये पता चल रहा है कि वो जो माफिया है, गंजा माफिया हो या फिर शराब माफिया हो, वो किसी न किसी पार्टी से ही जुड़े हैं। सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, निश्चित रूप से गरीब मजदूर लालू यादव के पार्टी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अगुवाई में विश्वास करने वाले लोग हैं और आने वाला भविष्य गरीब मजदूरों का होगा, उनका अगुवाई माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह बने रहे और देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे भोजपुर News24 के माध्यम से। मैं आप सबका मित्र विष्णु पाठक के साथ सहयोगी भरत भोजपुरिया के साथ आराध्या।